दोस्तों, गेमिंग के नाम पर पूरी दुनिया में करोड़ों स्मार्टफोन बिकते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास सबसे तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन हो। पर क्या आपको पता है कि इस टाइम पर पूरी दुनिया में गेमिंग के अंदर सबसे तगड़े फोन कौन से हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के टॉप 3 सबसे तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल का कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 वाले गेमिंग स्मार्टफोन की, और ये दुनिया का तीसरा सबसे तगड़ा गेमिंग फोन है और इसका नाम है Nubia Red Magic 6S Pro। इस फोन के अंदर गेमिंग फैन लगा है, मतलब कि जैसे गेमिंग कंप्यूटर में बड़े बड़े पंखे होते हैं तो ऐसे ही एक पंखा इसके अंदर भी लगा है, जिससे ये फोन हैवी गेमिंग के बाद भी ठंडा रहेगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस फोन का बैक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप इसके सभी कंपोनेंट्स को देख सकते हो, पर ये रियल कंपोनेंट्स नहीं है, इनको डिजाइन देकर बनाया है। अब इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे तगड़ा गेमिंग फोन है, इसलिए आम डिस्प्ले तो इस फोन में नहीं होगी। इसमें 6.8 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 165 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, और इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट आपको इसी स्मार्टफोन के अंदर मिलता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, एंड डिस्प्ले को वेरी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। तो कुल मिलाकर डिस्प्ले काफी तगड़ी है, जिससे गेमिंग में आपको काफी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए अब इसकी ताकत की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का सबसे ताकतवर चिपसेट, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 888 प्लस। ये चिपसेट इस फोन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, और इस डिवाइस से आप किसी भी तगड़े से तगड़े गेम को वेरी स्मूथली खेल पाएंगे। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको शोल्डर ट्रिगर्स मिलेंगे, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड बैक में आपको स्लाइडिंग ट्रिगर भी मिलेगा, और यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर लगे हैं। तो काफी कमाल के फीचर्स इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। इसके बैक में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में 1 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई, इसके बैक कैमरे से आप 8K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट से 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है। गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए कंपनी का ज्यादा फोकस गेमिंग परफॉर्मेंस पर रहा है, पर कैमरा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो 5050mAh की बैटरी लगी है, जिसको चार्ज करने के लिए 66 वोल्ट का वेरी फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा, और इसके 16GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए आपको 699 यूरोस देने पड़ेंगे। यूरोस इसलिए क्योंकि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 60,000 की कीमत में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सेकंड सबसे ताकतवर गेमिंग स्मार्टफोन की। तो सेकंड नंबर पर आता है ROG फोन 5S प्रो। आपको इंडिया में ओनली ROG फोन 5 मिलेगा, S Pro नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन ओनली अमेरिका के अंदर लॉन्च हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है, 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, जिससे स्मूथनेस भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगी, और साथ ही इसी के गोरिल्ला ग्लास विक्टस की वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, जिससे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले और भी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं ताकत की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है एंड्रॉइड मोबाइल गेमिंग की दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोसेसर, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 888 प्लस। भाई, परफॉर्मेंस यहां पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी, और इससे आप दुनिया के किसी भी तगड़े से तगड़े हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी स्मूथली खेल पाएंगे। और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर इस स्मार्टफोन से तगड़ी परफॉर्मेंस आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें 3.5mm का जैक है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले मिलेगा, और यहां पर आपको ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं, जो गेमिंग में आपकी काफी हेल्प करेंगे। और इस स्मार्टफोन में 7 मैग्नेट स्टूडियो स्पीकर लगे हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी तगड़ी। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में 64 प्लस 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है, और फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। यहाँ पर 6000mAh का बड़ा सा बैटरी लगा है, जिसको चार्ज करने के लिए 65 वोल्ट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा, और इसके 18GB रैम और 512GB स्टोरेज के लिए आपको लगभग $1300 देने पड़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर पहले स्मार्टफोन की। और पहले नंबर पर आता है iPhone 13 Pro Max। ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको 1,30,000 रुपए देने पड़ेंगे। और नो डाउट, गेमिंग हो या फिर कैमरा या फिर डिस्प्ले, iPhone सभी जगह काफी बेस्ट परफॉर्म करता है। इसमें 6.7 इंच की सुपर रेटिना
XDR OLED डिस्प्ले लगी है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है जिससे स्मूथनेस भी इसकी डिस्प्ले में आपको काफी तगड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं ताकत की, और इस स्मार्टफोन में मोबाइल गेमिंग का सबसे पावरफुल चिपसेट लगा है और इसका नाम है एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट। भाई इस स्मार्टफोन से आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी स्मूथली खेल पाएंगे। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी तगड़ी मिलेगी और नो डाउट गेमिंग में यहाँ पर आपको काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बैक में 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। भाई इसके कैमरे से आप वीडियोस तो काफी तगड़े लेवल की भी रिकॉर्ड कर ही सकते हो, साथ में फोटोज भी यहाँ पर आपको काफी तगड़े मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले मिलेगा और ये स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है, यानी कि ये स्मार्टफोन टोटली एक वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। और इसके 128GB स्टोरेज के लिए आपको 1,30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको दुनिया का सबसे ताकतवर स्मार्टफोन लेना है इस टाइम पर, तो आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो भाई ये थे दुनिया के 3 सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन जो इस टाइम पर आपको गेमिंग में एक तगड़ी परफॉर्मेंस का मजा देंगे। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। आपका कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर, तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।